वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के पास मोदी के नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वो ब्रह्मास्त्र हर चुनाव में बीजेपी को काम कर जाता है और विपक्ष को कर देता है परास्त। फिलहाल जल्दी से यहां की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मोदी मोदी के नारे से आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता यहां पर लगातार उत्साह से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कुछ ही पलों में यहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। ढोल नगाड़े इस वक्त बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तरफ चाहे उधर चाहे इधर प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता भी हैं। मैं चाहूंगी वो चेहरे भी आप तक अगर हम पहुंचा पाए। आप देखेंगे बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन यकीनन उत्तर पूर्व के राज्य में बीजेपी का कमल जिस तरह से खिला है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि दो ऐसे राज्य हैं, चाहे हम नागालैंड की बात करें या फिर हम बात करें मेघालय की, आपको बताते चले दोनों ही राज्य क्रिश्चियन बहुल हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है। नागालैंड में 90% क्रिश्चियन आबादी है। अगर हम बात करें मेघालय की, वहाँ पर भी बहुत बड़ी आबादी है क्रिश्चियन समुदाय की। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है पिछले बार के मुकाबले मेघालय में उसका प्रदर्शन सुधरा है, जबकि त्रिपुरा में उसकी बनने जा रही है अकेले बलबूते सरकार। इसको लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में क्या कहते हैं इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। उत्तर पूर्व के राज्यों से यहां पर क्या जाएगा संदेश और साथ ही इस साल होने वाले 6 विधानसभा चुनावों में किस तरह का मैसेज देंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन मोदी नाम के ब्रह्मास्त्र ने बीजेपी के पक्ष में उत्तर पूर्व के राज्यों में कैसे किया है कमाल, मोदी का नाम कैसे चल गया और क्यों कार्यकर्ता कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये 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 मोदी है तो मुमकिन है। नॉर्थ ईस्ट में भगवा परचम लहरा रहा है, ये वो सपना था जो बीजेपी ने कभी खुली आंखों से देखा था। आज सपना साकार हो चुका है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो है, तो है। आज की बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई राज्य छोटा नहीं होता, इसलिए त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां और रोड शो करने में कोई संकोच नहीं किया। जब पैसों की जरूरत नहीं है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। अब देखिए तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी रैलियां की। 11 फरवरी को त्रिपुरा के अम्बस्सा में रैली की, फिर 11 फरवरी को राधा किशोरपुरम में रैली की, 13 फरवरी को त्रिपुरा के अगरतला में रैली की, 24 फरवरी को नागालैंड के दीमापुर में रैली की, 24 फरवरी को ही मेघालय के शिलोंग गए, 24 फरवरी को फिर शिलोंग में रोड शो भी किया, फिर उसी दिन मेघालय के तुरा में भी रैली की। 2014 के बाद से बीजेपी की एक रणनीति ज्यादातर चुनावों में सुपरहिट साबित हुई है कि वो राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है और उसका फायदा भी बीजेपी को लगातार मिल रहा है। मोदी मैजिक से राज्यों में भी भगवा परचम बुलंद हो रहा है। सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जहां पहले से बीजेपी या गठबंधन की सरकारें होती हैं, वहां पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों अपनी रैलियों में अक्सर कहते सुने जाते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आज स्पष्ट है मोदी है तो मुमकिन है और ये आम व्यक्ति की आवाज है। बीजेपी में ये नारा इसलिए हिट है क्योंकि मोदी के पीएम बनने के बाद कई ऐसे राज्य जहां पहली बार भगवा परचम लहरा है। 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, 2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी, 2017 में मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी, 2018 में त्रिपुरा में कमल खिला, 2018 में ही मेघालय में बीजेपी की सरकार बनी और 2018 में नागालैंड में कमल का करिश्मा हुआ, 2019 में अरुणाचल में पहली बार सरकार बनी। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है मोदी है तो मुमकिन है। 2014 से पहले एक दौर था जब कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया जिसका बीजेपी को काफी फायदा भी मिला।
अब तीनों राज्यों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने इसी साल 6 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए कमर कस ली, जिसमें बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी शामिल है। यहाँ भी बीजेपी कमल खिलने का दावा कर रही है। आज तक ब्यूरो रिपोर्ट।